छोटा बेबी घर आ रहा है। ये वाला अच्छा लगेगा कि फूलों पर चल के जाएंगे तब। बेबी पाला बता। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एक्चुअली। माय चू, गुड आफ्टरनून करो सबको, जल्दी से बोलो गुड आफ्टरनून। पूजा बोलो गुड आफ्टरनून। ये पीछे डेकोर देख रहे हो, ये कल का माक्षी के बर्थडे की डेकोर है, अभी तक हमने निकाली ही नहीं है भैया, टाइम ही मिला है। मैं इनके पैर में आई है, मोज कर उसका पैर, सीढ़ियों से थोड़ा सा से ऐसे इस तरीके से कुछ इसमें फिसल गया था उसकी चप्पल से, ठीक है, चप्पल में फिसल गया था तो वो नहीं चल पा रहा है ज़्यादा अच्छे से अब, तो इसलिए सारी चीज़ें हमें ही आगे करनी है। मैं और कामाक्षी निकल रहे हैं। ये मेरी चेस्ट और ड्रॉर्स आई हैं जो मुझे बनानी है, मुझे टाइम नहीं मिल पाता है। वेरी खुश, क्योंकि मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत देर से मंगाया था। मैं इसके ऊपर प्रॉपर एक वीडियो बनाने वाली हूँ कि ये चेस्ट ऑफ ड्रॉर मैंने ऑर्डर करी है तो ये कैसी है। ऑलराइट, हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल मास अचीवर। मैं और कामाक्षी निकल रहे हैं बहुत जल्दी में, आके आपसे मुलाकात होगी। बाय। तो हम लोग बाहर यहाँ पर आए हैं डेकोर का आइटम खरीदने, कुछ डेकोरेटिव थिंग्स जो कि हम बेबी और मदर का वेलकम कर पाएँ, और कुछ हमें चाहिए थे रोज़ पेटल्स ताकि और अच्छे से हम यू नो स्टेयर्स वगैरह डेकोर कर पाएँ। लास्ट टाइम मेरे टाइम में भी हुआ था तो हमने रोज़ पेटल्स दिए हैं भर के, हम स्टेयर्स पर सजाएँगे, वही पैक करवा रहे हैं अभी हम, मैं और कामाक्षी यहाँ पर। A few moments later. क्या कर रहे हो, क्या हो गया, खाने पीने नहीं है, क्या पिला रहे हो? ग्लूकोज बोला डॉक्टर ने, इसको पिला रही हूं। फरमाइश बहुत शैतान हो गई है, अब इसे सिर्फ पता नहीं क्यों उल्टी सीधी चीजें पसंद आती हैं। वो कैस्पर खाने में भाग रही है, कैस्पर खाने में भाग रही है, कैस्पर खाने दिखा दे रही है, डाला हूं पिलो पिलो पिलो, थोड़ा सा शैतान हो गया बेटू, थोड़ा सा देखो, ऐसे करना पड़ता है बच्चे का, ऐसे बच्चा बन के पिलाना पड़ता है। देख स्ट्रॉ देखियो, अब इसको देखो, देखो ऐसे पुचर पुचर करेगी और भर लेगी मुंह में ज्यादा। देखो बेटू बहुत गलत चीज है, नहीं अब मेरे एयरपॉड फेंक दिए, मेरी बैटरी फेंक दी, मेरी गोप्रो की बैटरी दो इधर दो, ये वाली गोप्रो की बैटरी दो, ये गर्म पट्टी, मेरी गर्म पट्टी दो बेटू। नहीं मम्मी ने कल मेरे को सीढ़ी से धक्का दे दिया। नहीं मैंने एक नई चप्पल मंगाई। देखो आपको एग्जांपल देता हूँ कि हर महंगी चीज़ अच्छी नहीं होती। मैंने 2700 रुपये की एडिडास की ओरिजिनल्स की चप्पल मंगाई, ठीक है, पहनी कल की कल ही, वो चप्पल इतनी बेकार है, मैं आपको शेयर भी कर दूंगा। कभी भी वो चीज़ ऑर्डर मत करना, वो सूखे फर्श पर भरी दोपहर में भी फिसलती हैं, और मैं कल फिसला और मेरी टांग मुड़ गई और मेरे को बहुत जबरदस्त स्प्रेन आया है मेरे टांग में, तो मैं रिकमेंड नहीं करूंगा उस चप्पल को बिल्कुल भी। तो आज क्या होने वाला है, शायद आपको बताया नहीं बताया चाहे बताया, मैं फिर भी बता रहा हूँ आप लोगों कि छोटा बेबी घर आ रहा है। छोटे बेबी आप 1 साल पहले आ चुके थे, आपका भी सेम ऐसी वेलकम होता है जैसा आज होने वाला है। तो छोटा बेबी घर आ रहा है और उसके लिए कामाक्षी और शाइन ने और मैंने मिलके सोचा है कि हम उसको डेकोर करेंगे और बहुत प्यारा सा वेलकम करने वाले हैं छोटू बेबी का। आप तो कूद रहे हो अभी तक, टांग मतलब कूद कूद के चल रहे हो ना, कूद कूद के चल रहे हो तो यार, पर है इस वाले घुटने में कोई नहीं होता है। कहाँ गई प्लेट, कहाँ गई, चली जाएगी मुझे छोड़ के, मुझे पता है दूर से मम्मा भी सही है और खाना भी चलो। ये भाई बहुत बड़ी खब्बू है एक तो, और अच्छी चीज है चलो, पर ये ऐसी चीज मांगती है कि जो हमें से अभी खिला नहीं सकते मसाले वाली, ठीक है, और इसे सच में अपने खिलौनों से कोई फर्क नहीं पड़ता, इसकी पूरी अलमीरा भरी हुई है, पापा का कमरा पूरा भरा हुआ है खिलौनों से, इसे कुछ नहीं चाहिए। इसे क्या चाहिए, शाय का मेकअप, मेरा कैमरे का सामान, मेरी बाइक का सामान, बाक्षी के एयरपॉड, चार्जर, अडेप्टर, पेन, पेंसिल, पर्स, वॉलेट, ये सब चीजें से चाहिए। इसको खिलौना मिल गया, इसको खिलौना देखो मिल गया, देखो मिल भी गया देखो, और इसको मैं इसका खिलौना रख दूंगा, इसको फर्क भी नहीं पड़ता उस खिलौने से। मम्मा का बैग है, हमने इसके लिए म्यूजिक वाला खिलौना दिया, खेलने वाला, उछलने वाला, ऑटोमेटिक रिमोट सब ला के दे दिया, इसको नहीं खेलना। आप में से जिनके बच्चे ऐसा करते हैं वो कमेंट करके बताना कैसे आपके बच्चे ऐसे ही हैं क्या। यार सामान छुपाना बहुत मुश्किल है, ये क्या कर रहे हो? अच्छा पिंक ब्लू दोनों रखे इसके अंदर की पता ना चले कि लड़का लड़की है, क्या बात है। शायद छोटू बेबी आने वाला है, छोटू बेबी आने वाला है, मैं लाचार हूँ तो मैं आपकी आज मदद कर सकता था बहुत सारी, मैं पैसे लाचार बना दो बस। कैसे मैं बनाऊँ ऐसे करेंगे आप
दिखाओगे ना हम लगा नहीं पाएंगे। हम ये गेट पे करा रहे हैं तो बस डेकोर, गेट एंट्री लकड़ी से लगेगी ना। हाथ फाइनली भाई शाय को परफेक्शन काम ही पसंद है। इसने मेरी रस्सी तोड़ दी जो मैंने जुगाड़ किया था और टेप से चिपका रही है, जबकि टेप काम नहीं कर रही है मिट्टी की वजह से, कि वहाँ मिट्टी इतनी हो रखी है। सच बता रहा हूँ यार, जिसका काम है ना उसी को करने दो, खुद करोगे ना तो वही है, दूसरा करे तो डंका बाज है, जिसका काम उसी को उठा दे। मैंने वो बैठ लेना चाहिए, वो एक आने वाले हैं घंटे के अंदर, और अब तक कुछ भी नहीं हुआ, एक दरवाजा नहीं बना है हमसे। अरे नीचे छेद है ना इसमें। अच्छा तो ऐसे कौन सा पोस्टर टंगता है, ऐसे टंगता है ना बीबी, लड़की हो रहे हो छोटे बड़े के ऊपर। मैं कहती हूँ कोई कैमरा पकड़ो, मैं काम करती हूँ। हाँ, दोनों से ही हो पाएगा। चल करके मक्खी में बैठ, मैं कुछ काम तो नहीं कर रही। इसमें से घुसना स्टार्ट कर। वेलकम में यहाँ से घुसा, फिर यहाँ से निकाल, यहाँ से घुसा, यहाँ से निकाल, यहाँ से घुसा। वो बंद है वैसे ही बस। वेलकम बेबी, ये बेबी ऑन बोर्ड। हम ना पिंक या मेरी पिंक पर पर्पल कलर ढूंढ रहे थे, इसलिए वेलकम बेबी पर मिला नहीं, फिर भी हमने कहा चलो कोई नहीं ब्लू ही ले लेते हैं। चलो कोई नहीं, वैसे एक चीज बता रहा हूँ कि शाय के 6 लेटर थे, शाय ने बहुत पहले कर दिए, कमाक्षी को आलसी को देखो, सारे लेटर ऐसे पड़े किसी काम की नहीं है। मैं करती हूँ, मैं करती हूँ। क्या कर गया तू, नहीं क्या किया तू, नहीं है ये क्या क्या कमाक्षी तूने? ये क्या क्या तूने? इतनी मुश्किल से फुलाए थे। फुलाए छोड़ो, हमने मैंने नहीं किया, मैंने पकड़ के ला रही थी, बट हो गया यार। ये बहुत टाइट फुला दिया उसने। कहो ये तो हैप्पी बर्थडे कर दी, बेटू करे क्या हो गया, बेटू करे मैं ही लूंगा, नहीं मेरे से कुछ नहीं हुआ। देना तो शॉल नहीं उड़ा रही यार। ओ भाई एक साथ ही कमाक्षी ने कहा ये लो भाभी बटा का हाथ में बटा सारे सारे कमाक्षी इसको फोड़ेंगे जल्दी। हां इसको भी फोड़ूंगा तेरे ऊपर जल्दी आ। डर क्यों लग रहा? डर लग रहा फट जाएगा यार। अब इधर से फट गया। ओह भाभी ये फोड़ रहा है, पहले ना फूट गया ना, इतना नुकसान हो चुका है यार। एक वहां फट गया, एक वहां फट गया, अपना भी प्रक रहे के फट रहे। मौसी जब वो डेकोरेशन करने वाला आता है ना तो ऐसा लगता है अरे तो 5 मिनट वगैरह चला गया, हमें 1 घंटा हो गया, हमसे 5 बैलून नहीं चिपके, 5 बैलून हमसे चिपके नहीं है, और वो चिपकाने में बुरी हालत हो गई, पूरी दीवार का नाश फेल दिया हमें ना। ज्यादा पहले यार नहीं किया मैंने नाश, यार मैंने बुलाया तरीके से यार, तो नहीं शायद तो देखो एक्सपर्ट है शायद, क्या करती है सिर्फ बेस तैयार करती है, उसके बाद उस सजाने में जो हल्की हल्की डिटेल हल्की छोटी छोटी चीजें डालती है ना उससे बहुत सुंदर कर देती है। हर बार शायद यही है, कमाक्षी का बर्थडे हो चाहे अक्षय का बर्थडे हो चाहे कुछ भी हो, शायद बहुत अच्छा डेकोर करती है। देख रहे हो हम कितने बड़े पागल हैं। इसके साथ हमें ना वेलकम के साथ हमें ये सुई सुई भी मिलती है, हम ऐसे डाल लेंगे, हम एक एक उंगली से लगे हुए हैं। ये तो मैंने कभी ध्यान नहीं दिया, सुई मिलने के साथ हम हार्ड वर्किंग हो गए, हम कितने हार्ड वर्किंग। ये भी तैयार हो गया, ये रूम भी तैयार हो गया, अब बेडशीट बिठानी है, रोज पेटल्स बिछानी है, हम रोज पेटल्स भी लेके आए हैं। देखो ये रोज पेटल्स क्या बात है, फूल बरसाएंगे जब भाभी आएगी, क्या बात है। एट लास्ट दरवाजा भी कैसे ना कैसे टिक गया, ये पैसेज है, अभी यहाँ पे रोज पेटल्स बिछेंगे इनकी की, उसके बाद ये दरवाजा है, ये सब कुछ है जितना हमसे हो पाया, ये बलून इसको देखो पाए यूटिलाइज करते हैं। ये वाला अच्छा लगेगा कि फूलों पर चल के जाएंगे तब, ठीक है। हाँ यार मैं बरसाना चाहता हूँ ऐसे करके फूल है ना। चलो थोड़े थोड़े हल्के हल्के ज्यादा डाल रहे हो। कमरा पूरा डेकोर हो गया है, ये देखो डेकोर किया है, ये हमने मिलके किया है आने वाले बेबी के लिए। माइतू बली दीदी बन गई है, सब बेबी का इंतजार कर रहे हैं, सारे खड़े हो गए पहले ही बाहर घर के, बेबी का इंतजार कर रहे हैं। जल्दी से सबसे पहले कौन लेगा छोटू बेबी को? मैं बात करके मैं आप तो मिली थी वैसे।
भाई पर वो मत कर लेना कि जैसे तुम भूल गए थे सब। दादी का तुम भाभी को संभालना, तुम भाभी को हमें छोटा बेबी चाहिए, हमें क्या भाभी बैठे रहो। तुम्हारे साथ भी यही हुआ था ना, मेरे को तो किसी ने पूछा ही नहीं था। चिल्ला भी रहा हूँ मैं ना, शायद तो देख लो माँ जी छोटा बेबी ले रहा है, माँ जी छोटा बेबी छोटा बेबी। चलो 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 माँ, कैसा लग रहा है छोटा बेबी लेके? बहुत बढ़िया लग रहा है, बहुत बढ़िया लग रहा है छोटा बेबी है। छोटा बेबी आजा आजा आजा, चलो 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 स्वागत करेंगे। चलो देखो ये दिखल देख के आई थी बेटू, देखो छोटा बेबी, छोटा बेबी आ गया, छोटा बेबी आ गया, छोटा बेबी आ गया। करिए क्या है ये, क्या है ये, कहाँ से? तो शिमला विमला से आ रहा है क्या? चलो मम्मी औलाद को देख लेता हूँ, चलो शिमला घर वापस। डेकोरेशन में कमाक्षी और शाय का पूरा पूरा श्रेय है और किसी का कोई हाथ नहीं है इसके अंदर। कमाक्षी हाँ, अनमैरिड है, 10 रुपए ठीक है। हाँ, एक काम करो, 0 बगैर मैरिड। भाभी को भाभी, चलो फूल बरसाओ भाभी के ऊपर, फूल बरसाओ। मैंने फूल रखे हुए थे, मैंने भाभी के ऊपर बरसाऊंगा। वेलकम हो बेबी भाभी सबको। शादी कभी नहीं किया था, आ जाओ आ जाओ। आजो आजो आजो, बेबी आ गया, बेबी आ गया। क्या बोला भाभी ने? छोटा बेबी इतना पसंद आ रहा है माइजू, जो कि तो पता बता। बाय बाय माइजू, बाय समय से खिलाऊंगा, ठीक है? आप मेरी बात नहीं मान रहे? अरे सीरियस हो? देखो 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 बेटू, ये देखो आपने लिया नहीं ना तक गोदी में। भाभी डेकोरेशन थोड़ी सी पसंद आई? बेबी आ गया है घर पे और इस ब्लॉग को यही खत्म करते हैं, यहाँ से दूसरा ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। प्रिपरेशन सारी लेडीज वगैरह गांव की आएंगी, देखेंगी, मिलेंगी और जो भी अगले ब्लॉग में देखने को मिलेगा। इस ब्लॉग में इतना ही, बेबी घर पे आ चुका, बेबी का वेलकम हो चुका है। बाय गाइस, नेक्स्ट ब्लॉग शोर शराबा हमने इसलिए नहीं किया क्योंकि भाभी को भी थोड़ी प्रॉब्लम है, शोर शराबा होगा जब बेबी का वेलकम प्रोग्राम होगा। तो बाय गाइस, नेक्स्ट ब्लॉग, टिल देन बाय बाय, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, मिलते हैं अगले ब्लॉग में।